नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? गर्मी का सीज़न शुरू हो चुका है और धूप बहुत ज़्यादा हो गई है। दिल्ली में तो टेम्परेचर 35 डिग्री क्रॉस कर रहा है, तो ऐसे में ज़रूरी है कि जब आप गाड़ी से बाहर निकलें तो आपकी गाड़ी में एक प्रॉपर सनशेड हो विंडो पे, ताकि आपको अंदर धूप भी कम आए और आपका जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहे एसी का। तो इसके लिए मैंने बहुत सारा सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया जा करके, तो मैंने देखा कि बहुत तरह के सनशेड आते हैं। एक आता है मैग्नेटिक सनशेड आता है जो चिपक जाता है इस पे अच्छी तरह से, और मैग्नेटिक सनशेड में भी दो तरह के आते हैं। एक चैन वाले आते हैं, चैन से आप खोल सकते हैं उसको, और एक फिक्स वाले आते हैं, उसको आप खोल नहीं सकते। दूसरा आता है आपका जो नॉर्मल जो आपको चौराहों पे मिल जाता है चिपकाने वाला, लेकिन वो हमेशा गिरता रहता है, इसलिए वो वाला ठीक नहीं होता है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। एक आता है जो आपका स्टैंडर्ड आता है, जो आपको विंडो के साथ ऊपर नीचे हो जाता है, वो रोलर, उसको रोलर सनशेड बोलते हैं। तो रोलर सनशेड स्टैंडर्ड होता है, उसमें सारा शीशा कवर नहीं होता, उसमें हाफ शीशा ही कवर होता है। तो मुझे जो बेस्ट लगा वो मैग्नेटिक स्ट्रिप वाला ही लगा, जो चैन वाली आती है, ताकि समय आने पे आप चैन खोल के कुछ बाहर से, अगर आप टोल पे हैं या कहीं भी हैं, कुछ लेना देना है तो आप कर सकते हैं। आपको प्रॉपर वो भी दिखेगी, आपको जो साइड ग्लास साइड वाले मिरर भी आपको प्रॉपर दिखेगी खोलने के बाद, तो बेस्ट है वो। तो यूट्यूब पे मैंने देखा कि लोग अमेजन से काफ़ी खरीद करके उसमें इंस्टॉलेशन बता रहे हैं। अमेजन पे 900 से 1000 रुपये के बीच आता है, लेकिन यही मैंने कश्मीरी गेट से ख़रीदा है। कश्मीरी गेट में आपको सिर्फ 300 रुपये में मैग्नेटिक बढ़िया क्वालिटी का आपको सनशेड मिल जाएगा, मैग्नेटिक सनशेड। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे सनशेड है और कैसे इंस्टॉल करना है। ये मेरी गाड़ी किया सोनेट है, मैं थोड़ा सा डाउटफुल था कि पता नहीं ये नई गाड़ी है, इसका अभी आया है या नहीं आया है इसका सनशेड, क्योंकि मैग्नेटिक सनशेड जो है वो हर गाड़ी के लिए अलग होता है, वो कोई स्टैंडर्ड साइज़ का नहीं आता है। लेकिन वो किया सोनेट की भी अवेलेबल थी वहाँ पे कश्मीरी गेट में, हर गाड़ी के लिए, आपकी चाहे i10 हो, चाहे वैगन आर हो, चाहे इवन क्रेटा हो, सेल्टोस हो, हर के लिए अलग अलग आता है, तो आपको कश्मीरी गेट में मिल जाएगा। दुकान मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन आप कश्मीरी गेट में तिलक गली है, तिलक गली में चले जाएं, आपको सैकड़ों ऐसे दुकान दिख जाएंगे जो सनशेड बेच रहे हैं और काफ़ी सस्ती क्वालिटी में, सॉरी काफ़ी सस्ती बेच रहे हैं अच्छी क्वालिटी में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हैं वो और कैसे इंस्टॉल करना है। ये 300 रुपये में ये चार का सेट आता है, इसमें दो दो आगे के होंगे और दो पीछे के होंगे। आगे वाले में चैन लगा होगा, आगे वाले में चैन लगा होगा और पीछे वाले में चैन नहीं होता है, पीछे वाला फिक्स होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करना है। सिर्फ 300 रुपये में आता है ये, चार की चार का सेट आता है। ये जो है इसके हर विंडो के चारों तरफ ये मेटल का फ्रेम होता है, इस मेटल के फ्रेम में ही इसमें मैग्नेट होते हैं, मैग्नेट चिपकाना है। इसमें देखिए एक मैग्नेट यहाँ है, एक मैग्नेट यहाँ पर है, एक मैग्नेट यहाँ पर है, तो ये यहाँ है और इधर है। मैग्नेट को आप आगे पीछे भी कर सकते हैं ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। अगर मैग्नेट की पोजीशन थोड़ी इधर उधर हो तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो देखिए बस सिंपली इसको ये बस इसके फ्रेम में ऐसे ये चिपक जाता है, चिपक गया बस, और ये आपका ऐसे खुल जाएगा। आप इसको ये देख सकते हैं, साइड मिरर भी देख सकते हैं, चैन को बंद कर सकते हैं। ये आपका गाड़ी लगने के बाद ये बिल्कुल नहीं हिलेगा, क्योंकि ये गाड़ी से चिप वो हो जाता है, चिपक जाता है, बंद हो जाता है। ये गाड़ी को ऐसे करके ऐसे चिपक जाएगा और फिर ये ऐसे बंद हो जाएगा। ये देखिए ये बिल्कुल नहीं हिलेगा, ये मैं इसको खोल रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, फिक्स रहेगा ये। इसी तरह पीछे वाला भी है, पीछे वाला ये है, इसमें भी इसको शेप को बस ऐसे खोल करके और आपको ये ऐसे लगेगा, ये ऐसे यहाँ पे ये फ्रेम में ऐसे चिपका देना है। ये देखिए ये ऐसे चिपक गया, ठीक है, और ये ऐसे बंद हो जाएगा, इधर से दिखा बंद हो जाएगा। तो अब अंदर से आपको दिखाते हैं गाड़ी बंद करने के बाद कितनी धूप आ रही है, कैसी आ रही है। आइए इधर से आओ, गाड़ी के अंदर आ जाओ। देखिए अब इसको बंद कर लिया डोर,
बंद करने के बाद आराम से आप इसको चैन को आगे पीछे करके खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी तरह सारे विंडो को मैंने बंद कर दिया है, अंदर से आप इसका बाहर का देख रहे होंगे, काफ़ी कम हो जाती है बाहर की। एक जेड ब्लैक में भी आता है, जेड ब्लैक में काफ़ी ज़्यादा ब्लैक होता है, तो वो आपको उस पर चालान है, वो आप ये मान के चलिए, वैसे बाज़ार में मिलता है लेकिन जेड ब्लैक वाले में चालान है, क्योंकि काफ़ी विजिबिलिटी कम हो जाती है, बाहर से बिल्कुल नहीं दिखता गाड़ी के अंदर। इसीलिए आप के लिए बेटर होगा कि ये वाला, ये अच्छी क्वालिटी में है, थोड़ा सा परफोरेटेड है, बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता है बाहर से व्यू ना, अंदर से भी व्यू ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता है, और काफ़ी आपको वो सन रेज अंदर आने में भी रोकता है ये। इसके अलावा मैं आपको एक और एडिशनल चीज़ बताना चाहता हूँ कि पीछे के शीशे के लिए भी अलग से आता है, पीछे के शीशे के लिए भी मैंने लिया है, ये थोड़ा सा ये जेड ब्लैक में है, ये 200 रुपये का आया है, ये पीछे के शीशे के लिए है। इस पर पीछे के शीशे में लगाने पर शायद चालान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाकी तो चारों में आपका वो परफोरेटेड वाला लगा हुआ है। और ये आपको, ये भी हर गाड़ी के लिए अलग अलग आता है, ये 200 रुपीज़ का कश्मीरी गेट से ही मैं लेकर आया हूँ, और इसमें कोई चैन नहीं है, बट इसका फ्रेम ऐसा है कि ये बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन इसके चारों तरफ क्या है कि पतली सी लोहे की इसमें ये है, रॉड है पतली सी बिल्कुल, इसको मैंने थोड़ा सा अपने हिसाब से भी थोड़ा बेंड करके इसको अपने इसकी गाड़ी के अकॉर्डिंगली बनाया। वैसे तो ये सोनेट की कह करके दिया था, लेकिन थोड़ा सा ये बड़ा हो रहा था, तो मैंने इसको थोड़ा सा मोड़ करके यहाँ से साइड से थोड़ा सा मोड़ा है, और थोड़ा सा मोड़ने के बाद फिर भी अच्छी तरह से इसमें आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला पार्ट जो है ऐसे ये इधर लगेगा, यहाँ पर ऐसा है, लेकिन थोड़ा सा नीचे से दिखाओ, यहाँ पर ये जो है ये इसमें ऐसे चला जाता है बिल्कुल, और इसको आप ऐसे थोड़ा सा इसके अंदर इधर चला गया, और ये इधर से इसके अंदर ऐसे चला गया, ये थोड़ा सा ये देखिए, ये ऐसे बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, ये फिक्स हो जाएगा आपका, और ये ऐसे बंद हो जाएगा। ये जेड ब्लैक में है, थोड़ा सा ये कॉस्टली है क्योंकि जेड ब्लैक में है, 200 रुपीज़ का है, और ये देखिए बिल्कुल गिरता नहीं है, अब ऐसे फिक्स है आपका, और काफ़ी बढ़िया है। वो चिपकाने वाला जो आपको चौराहों पर मिलता है वो तो गिरता रहता है, तो मुझे ये पसंद आया। तो कश्मीरी गेट से ही अवेलेबल है सस्ते में, वैसे तो आप अमेजन से भी मंगवा सकते हैं, 200 से 1000 रुपये के बीच में आता है ये चारों, पीछे वाला शायद मैंने देखा नहीं है। तो ओके, थैंक यू, बाय।